मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे बातचीत हमने की और उनके टेक अवेज इस मार्केट्स में आपको क्या करना चाहिए इस पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ राजेश पालिव्या जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आज कहना चाहिए या नहीं आप बताइए, क्योंकि देखिए 15,700 फ्राइडे सेशन में 16,200 को संभाल कर रखे ये हम सोच रहे थे। आज हम लगातार सोच रहे थे कि कुछ हद तक का 15,800 के लेवल्स को संभाले मार्केट, लेकिन 15,700 से भी नीचे फिलहाल मार्च के लोज को तोड़ना क्या लगता है? सेंटिमेंट्स बहुत खराब हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मार्केट की दशा दिशा जो फ्राइडे के सेकंड हाफ से बिगड़ी थी उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है, और जिस तरीके से फ्राइडे की क्लोजिंग थी वहाँ पे हम 16,400 को क्लोज करके क्लोज हुए थे। अब यहाँ पे आज की ओपनिंग से जिस तरीके की सेलिंग प्रेशर गैप डाउन के बाद भी यहाँ पे इंटेंस होते हुए दिख रही है, तो काफी नेगेटिव सेटअप अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। 16,700 के लेवल को भी अब हम यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है 15,700 के लेवल को भी हम यहाँ पे तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से 15,700 के लेवल पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो थे वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पे इंटेंस होते हुए दिख रही है वो लेवल भी हमें लगता है कि टूटते हुए दिखेंगे। वहां से भी कोई सपोर्ट यहाँ पे अभी बनते हुए नहीं दिखे, क्योंकि जो पुट राइटर्स का बेस था वो काफी नीचे अब शिफ्ट हो चुका है। अब मैक्सिमम पुट राइटर्स अपनी पोजिशंस को यहाँ पे आज के ओपनिंग के बाद से ही शिफ्ट करते हुए दिखे, काफी पुट राइटर्स यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिखे मार्केट में। तो हमें लगता है अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट तो 15,500, उसके बाद 15,200 की तरफ यहाँ पे खिसकते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई भी उछाल आती है टूवर्ड्स 15,800-15,850 वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी शॉर्ट करने की। 16,000 अब स्टॉप लॉस होंगे शॉर्ट करने के। तो मार्केट का सेटअप काफी नेगेटिव हो चुका है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पे आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही। कहीं भी लीडरशिप जो बोलना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक वो भी यहाँ पे आज के सेशन में विजिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि सेटअप काफी नेगेटिव हो गए। ग्लोबल क्यूज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहे हैं इस नेगेटिव सेंटिमेंट। ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी या रिकवरी के ट्रेड नहीं बनेंगे। इंडियन मार्केट भी इसी तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को डिस्प्ले करता हुआ दिखेगा। तो हमारा व्यू अभी नेगेटिव है। 15,800-15,850 के आसपास अगर आते हैं मार्केट तो हम वहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे, और 16,000 हमारा स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट करने का। 15,500 से 15,200 तक की डाउनसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून राजेश। तो नीचे की तरफ जब बेस शिफ्ट हो रहा है, सुबह इस तरह से लग रहा था, सुबह लग रहा था कि कुणाल बोथरा भी हमारे साथ, उनके पास भी बात करेंगे, लेकिन जब हम फर्स्ट हाफ मॉर्निंग में जब ट्रेड्स की बात कर रहे थे तो पुट राइटिंग जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे 15,700 पे पुट राइटर्स, लग रहा था वो एक बड़ा बेस है, यानी वहाँ उन्होंने भी पैसा गवाया होगा। अब नीचे की तरफ ये पुट राइटिंग का बेस शिफ्ट हुआ है। कुणाल, नीचे आप कहाँ तक देख रहे हैं, कौन सी स्ट्राइक्स पे आप सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग पुट बाइंग अब देख रहे हैं? तो पुट बाइंग से ज्यादा मेरे मत कहती यहाँ पे भी कॉल राइटिंग ज्यादा होगी, बिकॉज जिस तरह से आईवीज बढ़ रही है उतना पॉसिबल है, और मार्केट की कॉन्फिडेंस डाउनसाइड में जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतना पॉसिबल है कि यू नो कॉल राइटर्स पोजीशन अग्रेसिवली बना सकते हैं। तो हम फ्राइडे सेशन तक देख रहे थे कि 16,500 की स्ट्राइक एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुकी थी उस स्ट्राइक पे, अब वो शायद शिफ्ट हो जाएगी 16,000 के आसपास, तो वो राउंड फिगर नंबर भी हो जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम वो एक यू नो फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस भी बन जाएगा इंडेक्स के लिए। तो 16,000 की जो कॉल रहेगी वहाँ पे मेरे मन से बहुत ज़्यादा राइटिंग होनी चाहिए, और आने वाले कुछ एक दिनों में हम देखेंगे कि अग्रेसिवली वहाँ पे ज़्यादा क्यूमुलेटिवली राइटिंग की बिल्टअप हो जाएगी। 15,500 एक नेचुरल सपोर्ट हो जाता है, वो एक यू नो राउंड फिगर मार्क भी हो जाता है, प्लस हम इन जब हम मार्केट्स की यू नो सपोर्ट लेवल्स को चेक करते हैं तब हम कहते हैं जनरली एक लेवल को ब्रीच करने के लिए करीबन 2-3% डाउनसाइड हम चेक करते हैं। तो 15,750 के आसपास सपोर्ट था, तो अगर हम 2% का एवरेज करेक्शन भी लेते हैं तो करीबन 15,500 के आसपास का एक सपोर्ट बन जाएगा इंडेक्स के लिए। तो 15,500 में शायद हो सकता है कि कुछ पुट राइटर्स थोड़े से यू नो राइटिंग करना चालू कर दें, बट यू नो आने वाले कुछ एक दिनों में बहुत बड़ी इवेंट्स लाइंड अप है ग्लोबल मार्केट्स में, और अगर हम मार्केट की सेटअप देखें तो इट इज़ नॉट द वीकनेस इन मार्केट्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में वीकनेस है, इट इज द वीकनेस ऑन द ग्लोबल मार्केट्स जो हमें इंपैक्ट कर रही है ज़्यादा ग्लोबली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक ग्लोबल मार्केट्स की इवेंट यू नो फिनिश नहीं हो जाती है या एटलीस्ट वो बैक बर्नर पे नहीं आ जाती तब तक मेरे अनुमान से वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है और पॉसिबल है कि मार्केट और ज्यादा ड्रिफ्ट कर सकते हैं डाउनसाइड पे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ बेस तो शिफ्ट हो रहा है, इनफैक्ट हम हमारे साथ श्रीकांत भी जुड़ गए हैं। मानसी आप
लेवल्स उनसे भी चेक करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। बताएं यहाँ पर मार्केट्स में जिस तरह से ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी आज कह सकते हैं कुछ हद तक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंडेक्स का परफॉर्मेंस आज कैसा लग रहा है? खराब है, लेकिन क्या किया जाए, इससे नीचे कितना गिरेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, वैसे अगर निफ्टी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को काफ़ी अरसे के बाद तोड़ा है। 15,700 के लेवल्स को तोड़ना, यानी कि लगभग मार्च के बाद हमने वापस इस लेवल को रिविजिट किया है और इन लेवल्स को तोड़ के अभी मार्केट कंफर्टेबली इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बात काफ़ी क्लियर है कि इस मार्केट में काफ़ी सारी फियर आ चुकी है, और जैसे भी बात हुई कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, और क्रूड जहाँ पे 120 के करीब वो लगातार सस्टेन हो चुका है, तो ये ऑल जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनते जा रहा है वो काफ़ी दिक्कत वाला है। और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट इस बार जो नेक्स्ट लेवल्स को छुएगा वो शायद 15,500 से लेकर 15,400 के लेवल्स बिल्कुल हो सकते हैं। और जैसे भी आपने बात बताई कि बात की कि बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे लग रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। 34,000 के करीब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए, उसे तोड़ने के बाद जो नेक्स्ट मीनिंगफुल अगर कोई सपोर्ट बन रहा है तो वो 32,000-32,200 के करीब है। जो अगर कंपेयर करेंगे हम निफ्टी के साथ, तो जब निफ्टी 15,600 के करीब था, तो सॉरी 700 के करीब था, तब बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ऑलमोस्ट उसी लेवल्स के करीब के थे, अराउंड 32,000 के आसपास के। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी आने वाले दिनों में 32,000 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, और यहाँ से अगर कोई भी अगर रिबाउंड हमें मिलता है तो हमें लगता है कि जब तक मार्केट 15,900 के ऊपर बंद नहीं देगा, तब तक हमें लगता है कि सेल ऑन रैली की एक स्ट्रेटेजी बनती रहेगी। बोरा भी आ गए खुश, बाजार नो ट्रेड जोन, आप क्या कहेंगे? अब जिस तरह से चीजें बदल रही हैं बाय द मिनट, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी, ओवर 500 पॉइंट्स निफ्टी, कहां की तैयारी हो रही है नीचे में? सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट सबको ही यू नो वेरी गुड आफ्टरनून। आई मीन इट्स स्टिल अ गुड आफ्टरनून इन द सेंस दैट यू नो द ब्रॉडर सेंस। देखिए मार्केट्स तो वॉलेटाइल रहेंगे, दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट, लेकिन जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, नजरिया शिफ्ट करिए, इन्वेस्टर बनिए, स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिए। करंट सिचुएशन पे मैं एक चीज यू नो शेयर करना चाहूंगा। मैं सुन रहा था पैनलिस्ट काफी ऑलरेडी यू नो इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। पुट राइटिंग में हमने बेस शिफ्ट होते हुए देखा है, बट माई कंसर्न इज इसकी जो कॉल में हमने बेस शिफ्ट होते हुए देखा है। कुणाल अभी बता रहे थे 16,000 के आसपास, इनफैक्ट अगर आप चेक करें 15,800 के आसपास भी एक काफी अच्छा बेस बन रहा है। तो ये ना हो कि यू नो मार्केट्स जो हम एक शार्प शॉर्ट कवरिंग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाए या नहीं आए, एब्सेंट रहे, क्योंकि 15,800 के आसपास जो पहले बहुत अच्छा सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। देखिए सेक्टर्स में काफी सारा एक्शन है, स्टॉक्स में काफी सारा एक्शन है, अच्छी वैल्यू बाइंग है, लेकिन जब तक ये फॉल नहीं थमता है तब तक ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं देन सेल सीजन इज ऑन। ऑलराइट, ठीक है। सो कुछ ऐसे में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल्स भी सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए बहुत ही कॉशन के साथ सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग से बेटर मैं इन्वेस्टमेंट कॉल सजेस्ट करूंगा। जैसे ऑटो सेक्टर है, हमने इसमें आज रिलेवेंट यू नो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी थी। सुबह जो मारुति का कॉल था मेरा, उसमें एक बार के लिए मारुति यू नो पॉजिटिव में आके ट्रेड कर रहा था, फिर बिकॉज ऑफ द मार्केट प्रेशर द स्टॉक हैज यू नो स्लिड अगेन। आई रिमेंबर एक टर्म आप काफी बार यूज करते हैं, व्हिच इज इन्फ्लेशन प्रूफ, वन सच स्टॉक इज क्रिसिल। देखिए ऐसे मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट सी वी कैन फाइंड पॉकेट्स ऑफ यू नो पॉजिटिविटी इन द मार्केट, लेकिन जिस तरीके का हम सेल ऑफ देख रहे हैं देयर इज अ गुड चांस कि कल यू नो ये स्टॉक भी हमेशा 2-5% नीचे मिले। तो डोंट गो ऑल आउट, डोंट बाय एवरीथिंग यू नो एट वन शॉट, लेकिन अगर आप कुछ पॉकेट्स में ध्यान रखना चाहें तो जी हाँ, डिफेंस स्पेस, आपका यू नो जो इन्फ्लेशन प्रूफ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं ये, एंड ऑटो स्टॉक्स, ये बिल्कुल आपके रेडार पे होने चाहिए। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ यू नो अपसाइड लेफ्ट इन यू नो इन दी स्टॉक्स, और अब तो और ज्यादा रूम बन गया है बिकॉज ऑफ द फॉल। ऑलराइट, तो यस क्रिसिल तो हम हमेशा बात करते हैं, इनफैक्ट मारुति सुजुकी हमने देखा, इनफैक्ट ऑटो स्टॉक थोड़े रेजिलिएंट सुबह दिखा भी रहे थे आपको, टिल हाफ ऑफ द डे हमने देखा कि चाहे वो बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉप हो, आयशो मोटोकॉप हो, उन सब में आपको बाइंग दिख रही थी, स्ट्रेंथ दिख रही थी, लग भी रहा था शायद रेजिलिएंट होंगे, लेकिन ये जो 2 बजे के बाद का सेल ऑफ आया उसमें अब वो गेंस भी इरोड हुआ है। लेकिन क्या ये व्यू भी ठीक है खुश की, जनरली मारुति सुजुकी के पास 8,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, जब वो उस लेवल के जब आसपास आता है तो वो इट्स अ बिग हर्डल, वो क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन आज का जो रेजिस्टेंस है वो मेजरली बिकॉज ऑफ द एंटायर सेल ऑफ, वो भी एक बड़ा बैरियर रहा कि वो क्रॉस भी नहीं कर पाया। प्रियंका 100% यू नो अग्री विथ यू ऑन दिस,
8000 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है टेक्निकली भी, और डेरिवेटिव डेटा के तरह से भी हम देखते हैं तो कॉल ऑप्शन में हमें उसमें हमेशा एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस यू नो बेस मिलता है, कॉल ऑप्शन का एक बेस मिलता है, वो एक हर्डल के तौर पर एक्ट करता है। बट जैसे पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल, एक ही लेवल पे आके स्टॉक बार बार उस डोर को नॉक कर रहा है, देन व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली व्हेन देयर इज यू नो दैट लेवल इज टेकन आउट, तो जो उसमें अपसाइड आती है ये बहुत स्ट्रांग आती है, बहुत शार्प आती है, और उसके चलते हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 800 जब टेकआउट हो जाएगा तो वहां की यहाँ वहां से जो अपसाइड बनेगी वो probably within even a day, you know, you can see like a 150-200 point movement from there on. So 8,150-18,200 के levels, you know, मारुति दिखा सकता है अगर 8,000 का level cross हो जाता है तो. अब जब नीचे आया है, even 8,000 is about 120 points away from here. अगर आप ट्रेडर भी हैं और आप सेफ स्टॉक चाहते हैं ट्रेड करने के लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बैठ है, आपका पे ऑफ रेशियो भी यहाँ से अच्छा बन जाता है, 7830-7820 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ऑल राइट, तो चलिए इस बाजार में भी यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन चाहे फिर शॉर्ट साइड हो या फिर बाय साइड हो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। क्विकली एक और ऑब्जर्वेशन में बताना चाहूंगी, कुणाल बोथरा ने आज सुबह जो सेल कॉल्स दी थी बजाज फाइनेंस और गुजरात गैस, दोनों ही कॉल्स में हमने एक्शन देखा, सेल कॉल्स जो हैं वो परफॉर्म करती हुई दिखी हैं, तो क्लियरली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स